का गंभीर आरोप है। रिपब्लिक टीवी के बारे में यहां पर जिक्र हो रहा है। रिपब्लिक टीवी पैसे देकर टीआरपी खरीदता था, ये पुलिस का आरोप है, पुलिस का दावा है। रिपब्लिक टीवी एक न्यूज चैनल है जिसके बाद अब डायरेक्टर से पूछताछ की जा सकती है। रिपब्लिक टीवी के मालिक को समन भी भेजा जाएगा। ये पुलिस की ओर से साफ तौर पर कह दिया है कि अब रिपब्लिक टीवी जो है वो टीआरपी के कारण, टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसे दिया करता था और इसी के चलते रिपब्लिक टीवी की टीआरपी बढ़ती थी। ये पुलिस का दावा है, पुलिस ने आरोप लगाया हुआ है। साथ ही में अब समन भेजने की बात खास तौर पर डायरेक्टर और साथ ही साथ रिपब्लिक टीवी के मालिक को इस समय समन भेजे जाने की बात पुलिस ने कह दी है। मुंबई पुलिस का एक बड़ा आरोप है, रिपब्लिक टीवी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। टीआरपी के चक्कर में जिस तरह से रिपब्लिक टीवी इस समय फंसता हुआ नजर आता है, साफ तौर पर जाहिर होता है। हमने लगातार देखा जिस तरह से कुछ टीवी चैनल से जो टीआरपी के लिए लगातार इस तरह की खबरें दिखाती है जो बिल्कुल भी जायज नहीं होती है, जो बिल्कुल भी लीगल नहीं होती है, लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए साथ ही साथ पैसे देकर खास तौर पे टीआरपी बढ़ाना, ये कहां का न्याय है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी कारण अब देखिए रिपब्लिक टीवी एक बड़े मुश्किल में फंसता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अब मुंबई पुलिस के घेरे में आ चुका है रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी के मालिक और साथ ही साथ डायरेक्टर को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस बुलाएगी, समन भी भेजा जाएगा और यह साफ कर दिया है मुंबई पुलिस ने। कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, ये वही न्यूज चैनल है जो गलत खबरें चलाकर अपनी टीआरपी को बढ़ाता था और खास तौर पर पैसे देकर भी टीआरपी को खरीदने की बात अब मुंबई पुलिस ने बताई हुई है। और लाइमलाइट में आने के लिए कई दफा हमने देखा रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स और एंकर्स ने इस तरह की अभद्रता की है, इस तरह की हरकतें की है, जिसके बाद अब यह साफ हो चुका है कि टीआरपी के चलते रिपब्लिक टीवी किसी भी हद तक गिर सकता है और ये एक आरोप मुंबई पुलिस ने भी लगाया हुआ है। निशांत राय इस समय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। निशांत, एक बड़ी खबर है, जिस तरह से देखिए मीडिया का ये काम होता है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना, लेकिन रिपब्लिक टीवी को हमने हमेशा देखा है टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिरता हुआ नजर आया है और अब मुंबई पुलिस का भी आरोप है कि टीआरपी खरीदी जाती थी। देखिए, टीआरपी के लिए रिपब्लिक टीवी को लेकर जो मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है उस पर क्या तथ्य हैं मुंबई पुलिस के पास और किन तथ्यों के आधार पर ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल रिपब्लिक टीवी को लेकर मुंबई पुलिस ने कहा है कि मुंबई पुलिस जल्द ही रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर्स और रिपब्लिक टीवी के मालिकों को समन जारी करेगी, उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल जिस तरीके से लगातार रिपब्लिक टीवी को लेकर मुंबई पुलिस और रिपब्लिक टीवी के बीच एक बड़ी तकरार हमें देखने को मिली थी सुशांत सिंह मर्डर के बाद से, और अब ऐसे में मुंबई पुलिस ने जो खुलासा किया है, इस खुलासे में आखिर क्या क्या पैमाने हैं। दरअसल अगर बात की जाए टीआरपी की, तो टीआरपी रिकॉर्ड करने के लिए बार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में काम करती है, चूंकि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जगह जगह अपनी मशीनें लगाती है जिससे ये पता चल पाए कि कौन से समय कौन सा चैनल लोग ज्यादा देख रहे हैं। और कहा यह जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा कि रिपब्लिक टीवी के जो प्रमोटर्स डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने एक ऐसी सेटिंग करी थी कि जहां पर भी ये बार की जो मशीन है, टैम मशीन जिसको कहते हैं, जहां पर लगाई गई थी वहां पर जो चैनल है उसको लगातार चलाया गया और लोगों को चैनल चलाने के लिए पैसा दिया गया। दरअसल ये काफी गुप्त रखा जाता है जो टैम मशीन कहां कहां पर लगाई जाती है, इसके बारे में किसी भी न्यूज चैनल के प्रमोटर को और किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती है, और ना जानकारी के कारण जो चैनल जिस तरीके का कंटेंट देते हैं वो जनता तय करती है कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है। लेकिन अगर चैनल को जानकारी हो और जानकारी के हिसाब से चैनल जो टीआरपी है उसको मैनिपुलेट करे तो ये ठीक नहीं है मीडिया के लिए, क्योंकि टीआरपी निशान, क्योंकि सच्चाई दिखाना मीडिया का कर्तव्य होता है, लेकिन टीआरपी के लिए इस कदर गिर जाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।